नमस्कार मेरे भाइयों, मैं आपका भाई प्रवीण मैसोया फिर से स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। तो भाई सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो आज तारीख है 30 जून, तो रात के बज रहे हैं लगभग 9:30। हम लोग निकल चुके हैं अभी, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नोएडा में, और लगभग 13-14 घंटे का रास्ता है, रात भर ड्राइव करनी है। तो पूरे रास्ते में कैसे कैसे क्या रहेगा वो देखेंगे, और सुबह पहुँच के आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या करते हैं। और क्या करें मालिक, बाय रोड जाना है तो कितने टोल आएंगे, कितना खर्चा लगेगा, गाड़ी एवरेज कितना निकालेगी, हाईवे कैसा है, इसमें रुकने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, हम सब बताएंगे आपको। मतलब मालिक से आपने सुन ही लिया होगा, खाने पीने की व्यवस्था, टोल कितना लगेगा, तेल कितना लगेगा। इनोवा गाड़ी में बैठे हम लोग, इनोवा के हिसाब से बता देंगे, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना जैसा भी है। और तो चल रहे भाई आगे, आपको दिखाते हैं आगे चल के क्या होता है। ये हम लोग बैठे हैं, ये देखो, ये एक पीछे बैठा है भाई पुष्पेंद्र, इसको आप जानते होंगे, पहले भी कई बार देखा हुआ है इसको, हर वीडियो में होता है, ठीक है। ये हमारा पुराना यारी भविष्य खान, ये भी हमारे साथ अचानक सडनली आ गया। मतलब हम पहले 5 बंदे जा रहे थे, इनके बीच में फोन करा और एक सीट गिर ली आगे, हिमांशु को पीछे फेंक दिया। हिमांशु आगे बैठे, हिमांशु को पीछे फेंक दिया, हिमांशु को पैर नहीं आ रहे, देखो बीच में कर लगा पैर बेचारे ने। कोई बात नहीं हिमांशु, सीट चेंज करेंगे रास्ते में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई रास्ते। सब भाई रात का सीन है, चल रहे हैं अभी, अब चल के कहीं रुकेंगे फिर उसके बाद दिखाता हूँ आगे कैसा क्या भाई। तो सामने ये वो है ना, ईस्टर्न पेरिफेरी वाला रास्ता। अच्छा भाई, मैं पकड़ूंगा आगे बनाओ। नहीं नहीं हो रहा ना, ठीक है ना, बढ़िया। हिमांशु कैसा लग रहा भाई तुझे? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, सही लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है भाई। उज्जैन के लिए एकदम सीधे दिखा रहा है, एक्साइटेड है पहुंच के देख। हम चढ़ चुके हैं दिल्ली बड़ोदरा हाईवे पे, और टकाटक गाड़ी चल रही है भाई 120 की स्पीड पे, एक्सप्रेसवे देख रहा हूँ कितना मस्त एक्सप्रेसवे। ये नया वाला बना है भाई, जिसमें धक्की लग गई है, इतना भी अच्छा नहीं है, ध्यान से गाड़ी चलाए। देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो नया बना है, अब बल्लभगढ़ के बाद जो निकलता है अभी उस पर चढ़ गए हैं। बहुत बढ़िया और अच्छा हाईवे है, चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टोल हो गया है क्रॉस, अभी सीधा जा रहे हैं। कितना के क्या टोल लगता है वो मैं आपको आगे जाके फाइनली बता देता हूँ। चल रहे हैं अभी सीधा सीधा, यहाँ हाईवे पे रुके हैं, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह है, देख सकते हैं भाई वो कहाँ गया ढक्कन। और इधर ठंडा पानी भर रहा है हिमांशु, ये वाटर कूलर लगा हुआ है भाई। हिमांशु पानी भर रहा है? हाँ भाई, हाँ हिमांशु पानी भर रहा है, तो ये इस तरह का कुछ रेस्ट रूम 5 मिनट के लिए। चलो यहाँ से आगे की तरफ, बहुत लंबा रास्ता भाई, लगभग 150 किलोमीटर आ गए हैं, और करीब 650 किलोमीटर और होगा। तो अभी तो भाई 11:30-12 ही बजे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, अभी चलते हैं आगे की तरफ, इस तरह का हिसाब है। कहाँ जा रहा है? ब्लॉगिंग के साथ फोटोग्राफी भी चल रही है यहाँ, मेरा भाई हिमांशु। यो गाइस, हिमांशु रात हो गई है, क्या करना है अभी, मतलब बहुत लंबा रास्ता है, कैसे कटेगा? बातें करते करते, मस्ती करते करते रात गुजर जाएगी। उसके बाद उज्जैन पहुंचेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद वापस जाएंगे जयपुर। हाँ ये भी सही है। तो भाई रेस्ट कर रुके थे 5 मिनट के लिए, अभी चले यहाँ से आगे चला जाए, देख सकते हो भाई यहाँ पे फर्स्ट क्लास हाईवे पे, मतलब कुछ कुछ दूरी पे अपना रेस्ट करने के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए सब पड़ता रहता है, उसी तरह का कुछ है। यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं भाई, बहुत लंबा रास्ता है। तो भाई लोगों लगभग 1:30 बज रहा है, मिडल हाईवे पे रुके हैं, ये कोई ढाबा है यार, देख सकते हो पीछे, कोटा हाईवे पे, कोटा हाईवे पे है, तो कोई ढाबे पे रुके, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए, हल्की फुल्की भूख लग गई थी, तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्या खाने के लिए मिलता है। सेब की सब्जी मिल रही है और नॉर्मल थाली मिल रही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या रहा भाई, बात नहीं बनी क्या? ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर कर लिया, क्या क्या मंगाया? सेब टमाटर, हाँ सेब टमाटर की सब्जी, यहाँ पे टेस्ट कर लेते दाल बाटी। हाँ वही तो, और हमारा कंडक्टर कम, कंडक्टर कम हमारा वो जो बोलते हैं ना रास्ते में, रास्ते बता रहा है हमको जीपीएस देख देख के। भाई बहुत गंदा दे रहा है ढाबे के पीछे, सुसु करने गया था मेरा भाई, आधा सुसु करके ही भाग गया है, इतना डर लग रहा था इसको वहां पर। भाई बिसलहरी की बोतल मिल गई, बिसलहरी की असली बिसलहरी में ऊंट
ऊंट बना होता है नी, असली बिस्लेरी में ऊंट होता है, इसमें कुछ नहीं बना हुआ, इसके लिए बिस्लेरी है। भाई आ गया अपना राजस्थानी देसी खाना, ये अपना दाल और ये सेब टमाटर की सब्जी और प्याज और रोटी है भाई बड़ी बड़ी, मैं खा के बताता हूँ कैसा है। खाना वाना खा लिया, अब चलते हैं आगे जर्नी रिज्यूम करते हैं। चलिए यार भाई, भाई क्या है, अरे तेल भर गया नीचे गिरने लगा, अरे नहीं भर गया ऊपर आ गया, अरे ड्राइवर भाई सुबह हो गई, लगभग समय हो रहा 6:30 और अभी करीब 150 किलोमीटर और जाना हमको उज्जैन पहुंचने के लिए। और भैया रात भर ड्राइव करी है, नींद बिल्कुल नहीं आई, सो नहीं पाए, अल्लाह गुल्ला होता रहा, बातें करते रहे, नींद आ रही बहुत भयंकर। तो अभी यहाँ पेट्रोल पंप पे थोड़ा रुके हैं रेस्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा व्यू, बहुत बढ़िया है यार गाँव गाँव का, मैं दिखाता हूँ व्यू, गाँव है कोई, बहुत बढ़िया। और ये पेट्रोल पंप पे भाई ने कबूतर पाल रखे हैं, ये देखो कबूतर पले हुए हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा भाई। ये गाड़ी अपनी आदि, क्या हुआ सोया नहीं रात को, नहीं सो पाया, पेट्रोल डीजल करवाने के बाद एवरेज तो आ रही है अपनी, वो 14:30 की एवरेज निकली है, अर्टिका में 6 लोग बैठे हैं इसी के साथ 24 घंटे। तो आवाज आ गई होगी, वैसे मैं बता देता हूँ, हमारे मालिक कह रहे हैं कि इनोवा गाड़ी एसी चलाने के बाद फर्स्ट क्लास 14 से 15 की एवरेज रहा हूँ मैं। एक प्रॉब्लम और फेस करी है हमने, जैसे कि पूरे हाईवे पे लाइट तो है नहीं, तो इस वाले पूरे हाईवे के ऊपर जगह जगह गाय बैठी मिलेंगी बीच बीच में, तो बहुत सारी जगह हमको इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी है, और रास्ते में एक दो जगह गाय का टक्कर हो भी गई थी शायद, तो हमारी से नहीं हुई थी, मतलब पहले से किसी ने टक्कर मार दी थी। तो कभी भी इस रोड पे आए तो बहुत ध्यान से चलें अगर रात को आ रहे हैं तो, क्योंकि गाय वगैरह यहाँ पे मतलब नॉर्मल है, रोड पे बैठी मिल जाएंगी आपको, तो उस चीज का भाई खास ध्यान रखें, हमें दिक्कत हुई है इसलिए मैं आपको बता। कुछ मिला नहीं यहाँ पे ढंग का यार, रुके थे यहाँ पे इस ढाबे पे, पोहा अच्छा नहीं आया, चाय पीने के लिए पोहा खाया, पोहा में मजा नहीं आया, तो इसलिए हमने बाकी सारा प्लान भी ड्रॉप कर दिया, तो अब जा रहे हैं किसी दूसरे ढाबे पे, चाय भी आ गई पी, वहाँ पे कुछ मस्त खाएंगे पियेंगे ऐसा करेंगे। सुबह का नाश्ता हो रहा है, चाय कचौड़ी पोहा, यहाँ रुके हैं भाई, अब खाते हैं लोकल किसी शॉप पर है, कचौड़ी खाएंगे हम यहाँ, कचौड़ी मस्त, कचौड़ी मस्त है, खा के देखिए, टेस्टी है भैया, चाय कचौड़ी खाई जाएगी यहाँ पर नाश्ते में सुबह, चाय बनवाई जा रही है, चाय बन रही जा रही है, अच्छा साथ में जलेबी भी आ रही है भाई, जलेबी भी दिखाता हूँ तुमको मस्त एकदम। राइज 9:30 बज गए सुबह के, हम लोग नियरली पहुंच गए, 1.5 घंटे का रास्ता और है, बाहर बारिश हो रही है और बहुत अच्छा व्यू हो रहा है, आप देख सकते हो ये देखो, और गाड़ी में बैठे लोगों का क्या हाल हो गया मैं वो भी दिखा देता हूँ ट्रैवलिंग में, देखो भाई ये देखो टेढ़े हो गए हैं कमर अमर सब, मुंह देखो इनके, सो रहे हैं भाई ये, अच्छा ये जाग रहा है भाई, जाग गया, तो बहुत हालत खराब भाई, थक गए हैं, नींद आ रही बहुत, सोएंगे आगे जाके, 1 घंटा और है उसके बाद सोएंगे। तो भाई हम लोग ना रूम में आ गए, एक्चुअली क्या है ना बैटरी पूरी खत्म हो गई थी, फोन बंद हो गया था, तो हमने लंच वगैरह सब कर लिया, लंच करके हम लोग सीधा रूम में आ गए, टाइम बज रहा है लगभग 3 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं, और ये देखो हिमांशु तो अपना भाई लेट भी गया, लंबा हो गया, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे और थोड़ा सा ना 2 घंटे की नींद लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद शाम को दर्शन करने के लिए निकलेंगे, तो अभी भाई फिर सीधा शाम को जब निकलेंगे तैयार होके, उसके बाद मिलता हूँ आपसे।